यहाँ पर मौजूद हैं आपके अलावा भी, वो एक सवाल है जो बार बार पूछ रहे हैं वकील से, वो ये कि पहले तो पार्टी मान गई थी कि हाँ अभद्रता हुई है, उत्पीड़न हुआ है, लेकिन उसके बाद यू टर्न क्यों ले लिया गया। और ये जो बात है वो स्वाति मालेवाल के ट्वीट में भी दिखाई देती है जो उन्होंने पिन किया हुआ है। ऐसे में आम आदमी पार्टी कटघरे में जरूर खड़ी हुई दिखाई देगी। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से स्वाति मालीवाल जो लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी थी, वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही, अरविंद केजरीवाल और पार्टी के बड़े नेताओं के बेहद करीबी थी, महिलाओं को लेकर उन्होंने कई आंदोलन करे, वो अनशन पे भी बैठी और लगातार वो महिला सुरक्षा को लेकर कई तरह के जो है वो कैंपेन का हिस्सा भी रही है और लंबे वक्त तक जो है पार्टी का एक बड़ा चेहरा थी। वही स्वाति मालीवाल राज्यसभा जाती हैं और उसके बाद अचानक से जब वो 13 तारीख को सीएम हाउस पहुंचती हैं, वहां पर अंदर क्या कुछ होता है जिसकी नौबत मारपीट तक आ जाती है, वो विभव कुमार जो पूर्व पीए अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं, वो स्वाति मालीवाल के साथ बहस करते हैं और मारपीट क्यों करते हैं, इसकी तफ्तीश भी लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है। अब पुलिस के पास कई तरह के साक्ष्य हैं, पुलिस ने पूरा जो घटनाक्रम है उसे रिक्रिएट किया है, एफएसए की टीम जो वो पुलिस के साथ मौजूद थी, तो अब विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया और थाने में लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। लौटेंगे आपके पास आनंद, लेकिन बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर एक बड़ा हमला बोला है। अब स्वाति मालीवाल मामले में महाभारत के किरदारों की एंट्री हो गई है, इस तरह की बात शहजाद पूनावाला की ओर से की गई। द्रौपदी के चीरहरण के बारे में तो सभी लोगों को ज्ञान होगा ही, परंतु आधुनिक काल में द्रौपदी के साथ न केवल चीरहरण होता है बल्कि उनके साथ चरित्र हरण भी किया जाता है। और इस आधुनिक काल के चीर हरण में एक दुशासन भी है, जो दुशासन अभी शायद मुझे बताया जा रहा है समाचार चैनलों के माध्यम से कि वो गिरफ्तार हुआ है। एक दुर्योधन भी है और वो भरी सभा में बैठे हुए और बाहर खड़े धृतराष्ट्र भी है, जो इस पूरे मामले को कई दिनों से इंटरनल मैटर कहकर किसी ना किसी तरीके से इस पर पर्दा डालने का भरसक प्रयास कर रहे थे। आनंद, शहजाद पूनावाला ये आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर कि जानबूझ के आम आदमी पार्टी विभव कुमार को बचा रही है, अब क्योंकि मुख्यमंत्री के पीए हैं तो साख तो अरविंद केजरीवाल के भी दांव पर लगी है ना। देखिए बिल्कुल, देखिए लगातार इसमें जो आरोप प्रत्यारोप के दौर हैं वो भी लगातार जारी हैं। आम आदमी पार्टी जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, स्वाति मालीवाल के खिलाफ लगातार वो आरोप लगा रही है। विभव कुमार ने भी एक मेल किया है, लेकिन स्वाति मालीवाल का भी कल एक ट्वीट सामने आया, हालांकि उसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन सीधे सीधे उन्हें निशाने पर लिया, उन पूरी आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक महिला के साथ अपमान किया गया है और किस तरह से उनके साथ बदसलूकी जो है वो सीएम हाउस में की गई है। अब अंदर खाने क्या हुआ ये तो जाँच का विषय है और ज्यादा जाहिर तौर पर इसके पॉलिटिकल मायने भी निकाले जा रहे हैं। बीजेपी भी लगातार पलटवार है कि जो आम आदमी पार्टी महिला सुरक्षा का दावा करती है वो अपनी एक महिला सांसद जो है उसके साथ मारपिटाई को जो है वो छुपाती है, और उसके बाद जब संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी, लेकिन क्योंकि ये बड़ा सवाल है और इसको लेके लगातार जांच जो है वो जारी है। और आनंद, ये वो महिला सांसद है जो कि महिला आयोग की अध्यक्ष रही है, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाती रही है, और उनके खिलाफ अगर इस तरीके से कोई वाकया पेश आता है तो जाहिर तौर पर सवालिया निशान खड़े होते ही होते हैं। लेकिन आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे आनंद कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन उस ट्वीट में स्वाति मालीवाल ने साफ साफ ये कह दिया था कि पार्टी गुंडों को बचा रही है, क्या सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल क्योंकि पार्टी के संयोजक हैं, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल खुद इस मसले पर मुंह खोलेंगे। जो विभव कुमार के खिलाफ जो धाराएं लगी हैं उसमें जो दो धाराएं वो काफी महत्वपूर्ण है, और वो धाराएं जो है वो विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ाने वाली है, जिसमें एक धारा 308 है और एक धारा जो है वो 354B है। 354B एक तरीके से ये दर्शाती है कि किस तरह से महिला के साथ अपमान किया गया, उन्हें निवस्त्र करने के मकसद से उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें चोटिल किया गया या उनके उनके साथ जो है एक तरीके से शारीरिक अशॉल्ट करने की कोशिश की गई है, और ये नॉन बिलेबल धारा है, इसलिए बहुत हद तक संभावना है कि कुछ देर के बाद 30,000 कोर्ट में जो विभव कुमार जो इस वक्त मेरे तस्वीर में दिखाएंगे कैमरा पर्सन इसी सिविल लाइन थाने के अंदर है, उन्हें जो है दिल्ली पुलिस 30,000 कोर्ट में पेश करेगी और फिर देखना होगा कि क्या वहां से उनकी रिमांड मांगी जाती है। आनंद, प्रिकॉशनी मेजर के तौर पर आम आदमी पार्टी की ओर से अब क्या एक्शन लिया जा सकता है?
तो आनंद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आनंद से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये तस्वीर 13 मई की बताई जा रही है, जो कि संभवतः सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी की ओर से जारी की गई है, जिसमें आम आदमी पार्टी की ओर से जारी की गई तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सीएम हाउस के बाहर किस तरीके से सुरक्षा जो गार्ड थे वो एस्कॉर्ट करके स्वाति मालीवाल को बाहर लेकर जाते हैं। और इसीलिए आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का आरोप लगा रही है कि जो दावे हैं स्वाति मालीवाल के और ये जो वीडियो जारी किया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से वो विरोधाभासी है, ये मैच नहीं करते हैं। वहीं अपडेट आज की सबसे बड़ी ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को उन्हीं के हाउस से सीएम हाउस से पहले हिरासत में लिया गया और अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ मौजूद है। सर, पहला अपडेट जो आ रहा है विभव की गिरफ्तारी हो गई है, वो भी अरविंद केजरीवाल के घर से, आपकी क्या प्रतिक्रिया? मुख्यमंत्री आवास गुंडों की शरण स्थली बन चुका है। मुख्यमंत्री आवास के भीतर गुंडागर्दी होती है, महिलाओं का अपमान किया जाता है, उनके आत्मसम्मान को ठेस किया जाता है, मारपीट की जाती है। तो वहाँ से विभव की गिरफ्तारी सीधा सीधा संदेश है दिल्ली को कि मुख्यमंत्री का आवास गुंडों का निवास है। कल एक वीडियो जारी की, आज दूसरी वीडियो जारी की है और लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये मनगढ़ंत कहानी है जो स्वाति बना रही हैं। वीडियो के साथ एक कंपैरिजन वीडियो भी डाला गया है जहां पर कहा गया कि उस दिन वो बिल्कुल ठीक चल रही हैं, कल व्हीलचेयर पे आ रही हैं। मेरे को एक बात आम आदमी पार्टी से पूछनी है। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनके साथ मारपीट की गई आम आदमी पार्टी की, मारपीट कहाँ की गई? मुख्यमंत्री आवास, वो भी सहयोगी नीरज कुमार मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं। नीरज, वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीधा सीधा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो आवास है वो गुंडों की शरण स्थली बन गया है। अरविंद केजरीवाल मुंह खोलेंगे, कुछ बोलेंगे, उम्मीद करें? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पे अभी भले ही कुछ ना कहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बार बार आरोप लगाया गया है। खुद आतिशी ने यह आरोप लगाया है कि स्वाति मालीवाल की बीजेपी से सांठगांठ, यानी बीजेपी के इशारे पर सब ये सब कर रही है। देखिए, विभव की को हिरासत में लिया गया है, पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। इस वक्त संजीव झा जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के आवास पे। थोड़ी देर पहले राघव चड्ढा पहुंचे थे, तो लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। लेकिन इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी अपनी बात रख रही है और स्वाति मालीवाल अपना पक्ष रख चुकी हैं पुलिस के सामने। लेकिन आम आदमी पार्टी अब जी